मौजा मेले हर दिन मसले नए नवेले नोटी नोटी हर शरारत कैसे कैसे खेल खेले शोर शराबा टॉप पर है घर नहीं ये चिड़िया घर है सारे ड्रामे सब हंगामे एवरीडे है ब्रांड न्यू बच्चा पार्टी ऑन है हर पल मची हुई टाइमर लगाए क्या नहीं टाइमर तो नहीं लगा लेकिन आप इतनी देर से ढूंढ क्या रही हैं? मेरी इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक बुक थी उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू वो मॉम आपने कब लिखी मैंने लिखी नहीं थी मनाहिल मेरी से मुराद मैंने खरीदी थी ओ, अच्छा कहीं वो किताब तो नहीं जिसे मैंने तैयारी की थी और फिर मैं फेल हो गई थी फेल तो तुम अपनी गलतियों की वजह से हुई थी समझी उस किताब की वजह से नहीं वेरी फनी बग्स फनी मॉम आप वो किताब ढूंढ के रही हैं आपकी खुद की इंग्लिश तो इतनी अच्छी है और आप तो बच्चों को पढ़ाती भी हैं हाँ लेकिन किसी को समझाने के लिए वो बहुत हेल्पफुल है किसी कौन किसी मेरे इंस्टीट्यूट से एक लड़की आ रही है उसे मुझसे कुछ समझना है ओह शायद वो किताब शान के रूम में होगी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक शान के रूम में क्या कर रही थी शायद वो इसलिए इंग्लिश सीख रहा हो कि वो लड़कियों को इम्प्रेस कर सके हैं आ रहा हूँ आइए आइए थैंक यू मैं राधे हूँ मैं गुलाबी हूँ गुलाबी मतलब मैं गोरा हूँ अच्छा तो तुम फॉरेनर हो नहीं तो अरे मैं नर हूँ मतलब आई एम अ मैन पूछ रहे हो बता रहे हो मैं बता रहा हूँ बताने की जरूरत नहीं है मुझे देख रहे हैं तो मैंने कब कहा कि तुम नाबीना हो सॉरी वैसे तुम हो कौन बिना जान पहचान के इतनी बातचीत वाह बस ये तो मेरा टैलेंट है किसी के साथ भी फौरन घुल मिल जाता हूँ मैं तुम ग्लूकोज हो ग्लूकोज ओ तो ये जोक था चलो तुम बैठो आओ बैठने के लिए तो आई हूँ अच्छा अच्छा वैसे ये हमारा प्ले एरिया है मैं खेलने के लिए नहीं आई हूँ तो फिर किस लिए आई हूँ मुझे मिस बीना से पढ़ने हैं तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि वो मिस नहीं किसी की मिसेज है जरूर होंगी लेकिन मेरे लिए तो वो मिस है ना क्यों भाई तुम उन्हें ये कवारे समझती हो? ओ हेलो मिस का मतलब वो मेरी मिस हैं मैं उनकी स्टूडेंट हूँ अंडरस्टैंड ओहो तो तुम मेरी मॉम की स्टूडेंट हो ओके तो तुम उनके बेटे हो तो तुम क्या समझी कि मैं बेटी हूँ वेरी फनी बग्स बनी वो तो फनी होता ही है मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ अच्छा खैर बातों से बात निकलती है तुम बैठो ना बात ही करते मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई आप मिस को बुला देंगे प्लीज थैंक यू अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी मुझे मारेंगे मैं हाथ तोड़ दूंगी किसके मेरे अरे शान भैया के आपके भैया नहीं मेरे भैया हैं अच्छा भैया मुझे किताब ढूंढने दो कौन सी किताब मुझे पता है इंग्लिश ट्रांसलेशन की रयान शान भैया और इंग्लिश नो वे ब्रो मॉम आप क्या पुलिस में हो गई है क्यों भाई तो आप हमारे कमरे की तलाशी ऐसे क्यों ले रही हैं जैसे पुलिस ने छापा मार दिया हो शान मेरी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक तुमने ली थी मुझे चाहिए जल्दी मॉम आप तो जानती हैं शान भैया किताबों से इतनी दूर भागते हैं जैसे बिल्ली कुत्ते को देख के भागती है वेरी फनी पग्स बनी मॉम मॉम वो आई है तो जाए ना आपके कमरे में भी तो बना है अरे वो नहीं मॉम लड़की आई है राबी भाभी रयान खबरदार जो फजूल बात की भाभी नहीं राबी कहाँ है वो कौन जिसने फजूल बात की ये है ना रयान अरे राबी कहाँ है मॉम मैंने उसको फ्रिज में रख दिया अरे जाहिर है लाउंज में बिठाया इज्जत से लड़कियों की तो बहुत इज्जत करते अच्छा खैर मैं जा रही हूँ और मुझे बुक दो मिनट में मेरे हाथ में चाहिए जी जी मैं अभी लेकर आ रहा हूँ मतलब झपकते ही आ जाऊंगा कार अभी क्या चक्कर है चक्कर चक्कर
देखो शाविस कौन आया है, डैडी आए हैं, डैडी थके हुए आए हैं, क्या हुआ डैडी? अरे यार ऑफिस में बहुत काम था, हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है। ओ काम कर करके? अरे नहीं भाई, फोन के ऊपर सबवे सर्फर खेल खेल के। अरे आप सबवे सर्फर खेलते तो काम कौन करता है? वो तो इंजीनियर्स काम करते हैं, मैं तो सिर्फ ऑर्डर देता हूँ। वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? ऑर्डर देने का टाइम खत्म, ऑर्डर सुनने का टाइम शुरू। क्या बात कर रही हो, ऐसा कोई रोज रोज थोड़ी होता, कभी कभार हो जाता है। हाँ ऑर्डर देना या ऑर्डर सुनना? ऑर्डर सुनना, वरना तुम जानती तो मेरे गुस्से को। वो जो मॉम के सामने जरा भी नहीं आता। आता है जब वो चली आती है तब नहीं आता। वैसे घर में इतनी खामोशी क्यों है, तुम्हारी मॉम कहीं गई नहीं है? वो क्या है ना, मॉम की एक स्टूडेंट आई हुई है तो वो उसे पढ़ा रही है। ओ आई सी, घर में ट्यूशन सेंटर खुल गया। हाँ क्योंकि ट्यूशन सेंटर में घर नहीं खुल सकता ना। वाओ, वैसे बिजनेस का ये आइडिया बुरा नहीं है। क्या ट्यूशन सेंटर में घर खोलना? वो भाई घर पे ट्यूशन सेंटर खोलना, मैं अभी जाके तुम्हारी मॉम को मशवरा देता हूँ। हमारी प्राइवेसी खराब हो जाएगी। अरे लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा बैंक बैलेंस खराब हो जाएगा। गुड आइडिया, शाबाश। देखो ना चावेस डैड को, वो कह रहे हैं घर में ट्यूशन सेंटर खोलेंगे तो मॉम बिल्कुल बिजी हो जाएंगी और मुझे तुम्हें संभालना पड़ेगा 24/7। नहीं, नो नेवर। बेटा यहाँ बॉस नहीं वर आएगा, वर लिखो। हाय मॉम। फरमाइए। मैंने आज से फैसला किया कि मैं आपसे इंग्लिश पढ़ूंगा। तुम इंग्लिश पढ़ोगे, पहले उर्दू बोलना तो सीख लो सही से। अरे मैं, मुझे ऐसी आला उर्दू आती है। अच्छा कब कब आती है? 24 घंटे बिना नागा। अरे वाह, तो ये है हमारी पहली स्टूडेंट। पहली मतलब? दूसरा तो मैं हूँ ना। तुम तो पहले ही हमारे पहले हो। मतलब ये है कि मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो और स्टूडेंट भी बुला सकती हो, फुल इजाजत। मगर क्यों? ताकि उनको पढ़ाओ। शर्जील, मैंने इसको यहाँ पे बुलाने से पहले आपसे परमिशन ली थी। नहीं तो फिर? अरे वाह मॉम, क्या भिगो के मारे। तू कौन सा पानी की बाल्टी लेके खड़ा है, भिगो के मारे का बच्चा। एटलीस्ट मेरी स्टूडेंट के सामने इस तरह तड़ाक से बात मत करे, क्या सोचेगी? अब कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि राबी को पता चल चुका है कि डैड मुझसे तड़ाक से बात करते हैं। सॉरी राबी अगर तुम हर्ट हुई हो तो। बिल्कुल नहीं, मेरा इससे क्या लेना देना। और करो हीरो गिरी। शान बेटा तुम यहाँ पे बैठो और आप जरा मेरे साथ अंदर चले, बहुत जरूरी काम है मुझे। अभी? अभी। अब होगी क्लास इंग्लिश की? नहीं नहीं डैड की। वैसे मॉम ने क्या पढ़ाया, जरा मुझे भी पढ़ाओ थोड़ा सा। दरवाजा बंद करें जरा। जी। एक तो पहली बार एक स्टूडेंट मेरे घर आई, क्या जरूरत थी उसके सामने मेरी इज्जत का फालूदा निकालने की? ओह मैं तो भूल ही गया था कि आपको फालूदा पसंद ही नहीं है। क्या जरूरत थी उसके सामने लैंग्वेज में बात करने की? कौन सी लैंग्वेज, मैंने कौन सी जर्मन ज़बान में कह दी, मैं उर्दू में तो कह रहा था। शजी तू तड़ाक की ज़बान इस्तेमाल आपने क्यों की? क्या सोचेगी मेरी स्टूडेंट कि मेरे टीचर के घर में इस तरह बात होती है? बिना बिला मचा बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पैसे कमाने का एक आइडिया दे रहा हूँ और तुम उल्टा मुझ पे चढ़ रही हो। यार पैसे कमा तो रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा था जिस तरह ये लड़की आ रही है, इस तरह दो चार लड़कियां और आ जाए तो सिस्टम अच्छा हो जाएगा। शजी मुझे आपके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मतलब दो चार स्टूडेंट्स और आ जाए, घर में ट्यूशन सेंटर हो जाएगा, कैसा आइडिया बिजनेस का? मतलब मैं पहले सेंटर में सर खपा के आऊं, फिर इस घर में सर खपाऊं और फिर ट्यूशन सेंटर? नो नो नो, नॉट एट ऑल, बैड आइडिया। देखो देखो देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ अकेले तुम थोड़ी करियोगी, मैं भी तुम्हें हेल्प आउट कर दूंगा ना यार। आप पढ़ाएंगे? यानी कि आप? मैं? उसके लिए पहले खुद आपको पढ़ने की जरूरत है। क्या मतलब है? मैं पढ़ा सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, आप सिर्फ पट्टी पढ़ा सकते हो, इंग्लिश पढ़ाना हर किसी के बस की बात है। एक्सक्यूज मी बेगम, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? हाँ ऐसा ही समझ लें। तो ठीक है, एक हफ्ते में मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखूंगा भी और बोल के भी दिखाऊंगा, फिर देख लेंगे। हाँ? हाँ, देख लेंगे। क्या कर दिया जमीन साहब, इस उम्र में दिमाग कैसे चलेगा? कोई नहीं कोई नहीं,
याकूब कोई नहीं कोई नहीं। कैसे कैसे बच्चों को पकड़ते, बच्चों से लेते। क्या मुसीबत है शामिल जी, यार ये काम मुझे ही करना पड़ रहा है, बार बार क्यों कर रहा सुसु? क्या कर रहा है मेरा बेटा? बार बार सुसु कर रहा है मॉम, मैं इसका थर्ड डायपर है जो चेंज कर रही हूँ। तुमने इसे पानी पिलाया? नहीं, मैंने तो उसको फीडर पिलाया था 7 आउंस। अरे 9 आउंस तो मैं देख के गई थी, तभी तो बार बार सुसु कर रहा है वो। ओह तो ये रो रहा था, मुझे लगा इसको भूख लग रही, मैंने पिला दिया। नाहिल तुम किसी काम की नहीं हो। हालांकि अब इसके सारे काम मुझे करने। क्यों, मैं घर पे नहीं होंगी क्या? आप तो ट्यूशन सेंटर पे बिजी होंगी ना? ट्यूशन नहीं, लैंग्वेज सेंटर, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। हाँ, और घर आके घरेलू ट्यूशन सेंटर। ये तुमसे किसने कहा है? डैड ने, और वो बहुत एक्साइटेड थे। आज के बाद कभी नहीं होंगे। क्यों, अपने डांट पिलाई है? नहीं, पहले चाय पिलाई उसके बाद डांट पिलाई। मैं इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहती भाई। किसमें, चाय पिलाने की या डांट पिलाने की? अरे इस ट्यूशन सेंटर की झंझट में नहीं पढ़ना चाहती, मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। ओह गॉड, थैंक यू सो मच मॉम, अब मुझे तुम्हारे सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। नहीं, अभी तो कुछ दिन करने पड़ेंगे, समझी? लेकिन मॉम, मॉम मेरी बात तो सुने यार, ये बार बार सुसु करते, बार बार कैसे चेंज करूंगी? तुम बिना डायपर के नहीं रह सकती क्या शावेज? I and you debit credit into do mix with कमरा। What? मतलब कि हम लोग पहली बार हमारे कमरे मिले हैं ना, तो you know when 2 times meeting। तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। Thank you। तुम ना उर्दू में ही बोला करो। अच्छा, जैसे तुम तो अंग्रेजों को इंग्लिश पढ़ाती हो ना? Excuse me, मेरी इंग्लिश ना बहुत अच्छी है। हाँ, तभी मेरी मॉम से पढ़ने आती हो। जाहिर है, आगे एडवांस सीखने आई हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारी इंग्लिश इतनी ही अच्छी है तो जरा मेरी बात का मतलब बताओ। आई लाइक यू। मुझे तुम पसंद हो? अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है भाई, मैंने तुमसे मतलब क्या पूछा, तुम तो फौरन फ्री हो गई बावली। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। क्या हुआ राबी, क्या कहा इसने? अरे अरे मॉम, कुछ नहीं, हम लोग तो बस उर्दू और इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर रहे थे। क्यों राबी? झूठ मत बोलो मिस, आपको पता है इसने मुझसे क्या बोला? क्या कहा? आई लाइक यू। तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो अपने रूम में जाओ। मॉम इंग्लिश। आई सेड गो। अरे चलो। हाँ तो हम कहाँ पर थे? यहाँ इस कमरे में। वो तो मुझे भी पता है, खोलो ना अपना रजिस्टर। प्रेसिडेंट। वाओ डैड, क्या बात है, सारे के सारे गलत है, अभी तो सिखाया था मैंने आपको। अबे क्या करूं यार, दिमाग नहीं चल रहा ना मेरा। सेल बदल रहे हैं। मैं कोई बड़ा वाला भालू हूँ जो सेल बदल लूं इंसान हूँ? अच्छा वैसे डैड, मैं आपको इंग्लिश क्लास करने की एक आसान तरकीब बताऊं? हाँ बताओ, जल्दी बताओ यार। अपना मॉम से क्लासेस। पागल हो गए क्या? वो तो मेरी हर वक्त क्लास लेती रहती है यार, कोई और तरीका बताओ, कोई आसान तरीका बताओ यार। तो फिर आप इंग्लिश फिल्म नहीं देखा करें? इंग्लिश फिल्म में कद्दू देखा करूं? इंग्लिश में इधर रात होती है, उधर तुम्हारी माँ टीवी के आगे बैठ के ड्रामे देखती रहती है, हाथ में होता है रिमोट और कंट्रोल दर कंट्रोल दर कंट्रोल। किसको, आपको? ओ नहीं यार, टीवी को। ओ अच्छा, तो फिर अब इंग्लिश अखबार पढ़ा करें। इंग्लिश अखबार पढ़ा करें, कितना आसान है ना ये कहना। ओ भाई, इंग्लिश अखबार पढ़ने के लिए हाथ में डिक्शनरी रखना पड़ेगी, और एक अखबार खत्म करने में लगेंगे 6 से 7 दिन। इधर वो अखबार खत्म हुआ, उधर पीछे 6-7 दिन की अखबार जमा होगा, फिर क्या करूंगा? पासी को चक्की पे। क्या क्या क्या? आपका कुछ नहीं हो सकता। सॉरी। His face is hanging। इसका मुंह लटका हुआ है। वाओ डैड, आपने तो सही इंग्लिश बोली। यस, मुझे अंग्रेजी आ गई। यस। वो मेरी जा रही है। क्या इंग्लिश? नहीं, इंग्लिश बोलने वाली, अब वो शायद कभी ना है। देखा डैड, मैंने कहा ना शान भैया है ना, उनको ना चुप, एक लफ्ज कहा ना। तो एक लफ्ज, कौन सा लफ्ज? अबे भाई चुप कर जा यार, तू कुछ ना बोल। तू तू तड़ाक इस घर में, मिस्टर कान खोल के सुन लो, इस घर में तू तड़ाक नहीं चलेगी। तुम्हारी माँ ने मुझे शाम में इस बात पे डांटा है। तो आप भी डांटे, आप बाप है।
किसका? तुम्हारी माँ का? नहीं, हमारे। यार आप लोग प्लीज चुप करेंगे, अकेला छोड़ दें मुझे। अच्छा छोड़ देते हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें गुलाल से छोड़े या रॉकेट से। मैं खुद ही चला जाता हूँ यहाँ से। वे वे। ये तो फुल उदास चल रहा है। उदास नहीं देवदास, मैं बता दो क्या हुआ था। जल्दी आजा, आज ही आजा, कहाँ पूरा घर घूम के आएगा। शाम भैया की इंग्लिश इतनी आए, जिस लड़की के सामने बोलते हैं वो कहती है आज से तो मेरा भाई है। मुझे मालूम है इसकी इंग्लिश फोकस है, लेकिन इसका राबी पे फोकस है। देखो तुम लोग मुझे परेशान मत करो, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है। ओह, कोई आया? मैं चेक करता हूँ। इस टाइम कौन आया है? आ गई मूर्ति करने वाली, आ गई। मूड नहीं मिजाज। चुप, फिर आ गई तुम? क्यों आई हो तुम्हारा बताना। क्यों ना आना, तुम आना, बल्कि तुम रोज आना जाना। एक आना, दो आना, तीन आना, बने मत। चुप करो, तुमने थप्पड़ खाना। मैं मॉम डैड को बताऊं? सॉरी, पर क्या है, हम तीनों बहन भाइयों में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन मेरी पढ़ाई चलती रहती है। मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई, मैं बुक्स लेने आई हूँ अपनी। हाँ, जान पूछ के छोड़ के गई होगी ताकि दोबारा आ सको, है ना? अच्छा, मतलब शान का जादू चल गया, जलने वाला जल गया और अपना दिल मिल गया और हमारा गुस्सा उबल गया। ये क्या तमाशा चल रहा है शान मियां? मॉम डैड, मैं बताता हूँ, शान भैया शायराना अंदाज में राबी कब तक दिल का हाल सुना रहे थे। राबी बेटा तुम अपने घर जाओ, शान तुम सुधर जाओ, बल्कि इधर आओ। बाजी आपकी बुक्स। कदे के बच्चे, इधर आओ। आपका ही है बेहुदा बच्चा। डैड, अच्छा आप बचाओ। एक घर सौ झमेले, हर दिन मसले नए नवेले, नोटी नोटी हर शरारत कैसे कैसे खेल खेले, शोर शराबा।